और इसके एडवांटेजेस क्या हैं अलोंग विद दिस आर द डिसएडवांटेजेस सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो इंजीनियर्स ब्रिक बैट कोबा एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जान लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है जिसमें हम सारे मॉड्यूल को कवर करने वाले हैं फर्स्ट वन है इफेक्ट ऑफ वाटर लीकेज सेकेंड है वॉट इज ब्रिक बैट कोबा एंड वाई डू बिल्डिंग्स नीड इट

वाटर या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तो कोरोजन का डेवलपमेंट होना फॉर श्योर sure है द हाउस होल्ड थिंग्स एंड वुडन मटीरियल मे कॉज फंगस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन साइड द बिल्डिंग और वुडन मटीरियल जो भी हैं जब भी वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं उनमें फंगस होने की प्रॉब्लिटी ज्यादा हो जाती है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर्ड सो वॉटर प्रूफिंग इज द ओनली सोल्यूशन टू अवॉइड वाटर लीकेज इन द बिल्डिंग द ब्रिक बेड कोबा

फिर है हाफ और बैट जब ब्रिक को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एंड एट लास्ट की है किंग क्लोजर जब ब्रिक को किसी एंगल पे जनरली 45 एंगल पे कट किया जाता है द द ब्रिक मटेरियल्स आर लेड ऑन फ्लैट रूफ सरफेस एट द थिकनेस ऑफ 75 फाइव एम टू वन फिफ्टी एम ये थिकनेस है ब्रिक बैट कोबा के एग्जीक्यूशन की सेवन टू वन फिफ्टी एम द सीमेंट मोटर मिक्स ऑफ वाटर केमिकल एट द प्रॉपर स्लोप टू ड्रेन ऑफ द वाटर इन द रेनी सीजन ऑल्सो टू प्रिवेंट वाटर पेनेट्रेशन

उसके ऊपर सबसे पहले एप्लीकेशन होता है first cement slurry का. उसके बाद की प्लेसिंग की जाती है ब्रिक की प्लेसिंग होने के बाद का एक और उस उसपे स्प्रे किया जाता है और आपने जो भी ब्रिक बेड की प्लेसिंग की है उनमें जो गैप है वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी एम एम रखना है उसके बाद सीमेंट मोटर वन इंस टू फोर से उन गैप्स को फिल करना है एट लास्ट फाइनल फिनिशिंग कोट देना है जो कि अगेन सीमेंट मोटर होगा हैविंग द रेशियो और फाइनल कोट होने के साथ साथ उसमें थोड़ी सी स्लोप भी दे दी जाती है ताकि ड्रेन आउट हो सके सीधा ही वाटर और उससे आप ड्रेन पाइप के अकॉर्डिंग सीधा ही डिस्चार्ज कर सके सो दिस इज द इमेजनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रिक बैट कोबा नाउ लेट्स रीड आउट द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन द आरसीसी रूफ सरफेस शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट हैव एनी मेजर एंडुलेशन द रूफ सरफेस मस्ट बी स्क्रब्ड बाय वायर ब्रश एंड क्लीन नी क्रैक्स फाउंड ऑन द सर्फेस मस्ट बी रेक्टिफाइड इमिडियटली नाउ अपलाइड्रेड एम एम हाइट एट द रेट टू पॉइंट फाइव के जी टू टू पॉइंट सेवन फाइव के जी पर स्क्वायर मीटर आपको पैरापेट वॉल पे भी अप टू थ्री हंड्रेड एमएम की हाइट तक सीमेंट स्लरी का पेस्ट करना है ताकि वॉल से कोई लीकेज होना स्टार्ट नहीं हो जाए आफ्टर दैट

एल्स इट मे कॉज ट्रबल इन फ्यूचर विच मे नॉट बी सॉल्व क्विकली ब्रिक बैड कोबा को एक्सिक्यूट करते हैं तो आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर लीजिए तो आप लीकेज एक से दो दिन बाद अगर क्योरिंग करके फाइंड आउट करेंगे तब ब्रिक बैड कोबा ड्राई हो चुका होगा फिर उसे ब्रेक करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू रेक्टिफाई एंड एलिमिनेट द लीकेज सो इंजीनियर ये सिंपल सा प्रोसीजर है अबाउट ब्रिक बैट कोबा एक सिविल इंजीनियर को इसके बारे में जनरल नॉलेज होना ही चाहिए सो इंजीनियर्स होपफुली आज के इस वीडियो मॉड्यूल में आपने जाना होगा कि ब्रिक बेड कोबा को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं सीमेंट मोटार रेशियो कितना होना चाहिए ब्रिक बेड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए क्योरिंग कितने पीरियड तक करनी चाहिए और लीकेज को कैसे रेक्टिफाई करेंगे होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल द प्रोसीजर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर टिल देन बी सेफ बी हेल्दी जय हिंद जय भारत